हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड सो जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी के काफ़ी बार नोटिस आते रहते हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन राइट और काफ़ी यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है कि हमारा कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है जो हमारे इवन सेम के एग्जाम्स होने वाले हैं तो वो किस बेसिस पर बात की जा रही है बहुत सारी यहाँ पर हमारे पास वीडियोस पहले से भी आ चुकी है आप लोग देख भी चुके होंगे बट कन्फ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स को कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है क्या ये रिलायबल सोर्स की बात की जा रही है और क्या सच में ये नोटिस आया है या नहीं आया सो so, ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बट ये वीडियोज़ जो है मैं आपको प्रॉपरली क्लियर करूंगी ये नोटिस आया है या नहीं आया और ये बात जो है वो कहाँ से उठी है और क्या ये अभी फिक्स हो गया या नहीं हुआ सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे मेरी वीडियो पूरी देखना लास्ट तक देखना ताकि आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं राइट सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये नोटिस आया है या अभी बात ही रखी जा रही है सो so, चलते हैं पहले हम लोग यूनिवर्सिटी की साइट पर ये हमारी यूनिवर्सिटी की साइट है सबको पता है सारे ओपन करते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो वैसे भी सारे ज़्यादा इसके बारे में जाने गए हैं राइट right? इसके बाद यहाँ पर जो आपको लेफ्ट साइड में आपको ये लिंक्स विजिबल होंगे यहाँ पर आते हैं यह बात आपके पास टेंडर नोटिस और ऑक्शन नोटिस की टेंडर नोटिस और ऑक्शन नोटिस को पर क्लिक करोगे तो सबसे फर्स्ट लिंक दिया हुआ है और सबसे फर्स्ट लिंक आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी रिवाइज्ड टेंडर डॉक्यूमेंट पीडीएफ अब टेंडर के बारे में आप लोगों को पता नहीं पता है या नहीं पता बट ये क्या बात हो रही है यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट uh, इश्यूज करने की बात की जा रही है रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन और होता क्या है जैसा कि दो सालों से हमारे पास ऑनलाइन वर्क ज़्यादा हमारे पास हो रहा है ड्यू टू कोविड है ना पैंडमिक ईयर चल रहे हैं तो हर कोई घर से काम कर रहा है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके इसीलिए हो रहे हैं तो दो सालों से ही हमारे जो ये है कि कंपनीज बहुत सारी आ गई हैं जिसमें जो सारा का सारा वर्क लोड अपने ऊपर लेने के लिए रेडी हैं सारा का सारा वर्क लोड में क्या मतलब होता है ये सिर्फ़ एग्ज़ाम की बात नहीं करते ये बात करते हैं कि पूरा जो क्लास शेड्यूल होते हैं उनका वर्क होता है सारा का सारा आ, जो एग्जाम्स होते हैं जो असाइनमेंट्स होते हैं सभी के सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये कंपनीज़ ले लेती हैं ये अपना सॉफ्टवेयर देते हैं इनका सब चीज़ों का काम अपने आप मैनेज करना है चाहे कुछ भी लेकर ठीक है सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी यूनिवर्सिटी ने टेंडर निकाला है अभी किसको टेंडर इश्यू होगा किसको कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा ये क्लियर नहीं है अभी इन्होंने ये ऑप्शन निकाला है ठीक है और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की और ये क्यों है क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी पता है क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है प्रॉपरली यहाँ पर प्रॉपरली चैनल से प्रॉपरली मैनेजमेंट से ये रन नहीं होते ठीक है चीटिंग केसेस ज़्यादा है और चीटिंग केसेस में भी ये रियलिटी है कि स्टूडेंट्स एक्सेस में चीटिंग करते हैं वर्ड टू वर्ड बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने की ट्राई करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन की वैल्यू मेंटेन रखने के लिए ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया सॉफ्टवेयर uh, की बात की जा रही है और ये टेंडर इशू इसीलिए किया है कि हम किसी एक कंपनी को टेंडर दे, दे देंगे जो ये सब चीज़ें मैनेज करेगी अब उसमें क्या क्या मैनेजमेंट की बात है क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा कैसे सब चीज़ रन होगी तो ये हमें पहले से जान लेना जरूरी है क्योंकि आपके एक दो महीनों में ही एग्जाम्स होने वाले हैं राइट सबको पता है जून के बाद आपके एग्जाम्स है और एक एक अभी आपका बी टेक फाइनल ईयर वालों का तो नोटिस अभी आ गया था कुछ टाइम पहले तो सबको पता है एग्जाम आने वाले हैं तो कम से कम आपने प्रिपेरेशन वो आप लोग स्टार्ट कर दो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो अपने प्रिपरेशन रखो क्योंकि यूनिवर्सिटी कौन सा नोटिस निकाल देती है कब निकाल देती है तो कुछ भी हमें भरोसा नहीं है ठीक है और कम से कम अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी आप लोगों को स्टडी रेगुलरली रखनी है सो so, अब देख लेते हैं कि इस नोटिस में वो क्या क्या चीज़ों की डिमांड कर रही है क्योंकि जो डिमांड करेगी वही इंप्लीमेंट करेगी यूनिवर्सिटी ठीक है so, सो देख लेते हैं क्या चीज है यहां पर सबसे पहले तो यहां पर नोटिस की बात है एंड ऑल कि जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है सो so, यहाँ डिटेल्स दी हुई हैं स्कोप ऑफ वर्क में स्कोप ऑफ वर्क का मतलब ही क्या है जिसको हम ये टेंडर इश्यू करेंगे उसका क्या क्या काम रहेगा राइट right? इनमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम कंपनी को दिया जाएगा और कंपनी क्या क्या काम करेगी स्टूडेंट्स के ऊपर निगरानी रखेगी स्टूडेंट्स का क्या क्या काम करेगी वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर सिक्स से स्टार्ट करते हैं प्रॉक्टर शुड बी एबल टू वैलिडेट द सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन ऑफ टेस्ट कंपनी ही चेक करेगी कि प्रॉपरली मेरा जो टेस्ट है वो कम्प्लीट हो गया हो ओन टाइम क्वेश्चन पेपर जो है वो ओपन रहेगा अराउंड फोर आवर्स फोर आवर्स का मतलब क्या है हमें कम्प्लीट पेपर अटैम्प्ट करने की बात की जाएगी नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर वाइज जो भी ऑब्जेक्शनल इमेजेस आएंगी इन केस हम कुछ गलत काम या चिटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो जो इमेज हैं वो आगे पास की जाएगी क्योंकि तभी उसके अकॉर्डिंग यूएमसी केसेस बनेगा और ये कैसे किया जाएगा रेगुलरली रेगुलरली इमेज ली जाएंगी और ये चीज़ सॉफ्टवेयर में ही फिक्स होगा ऐसा नहीं है कि कोई और आके या क्लिक करेगा तो ही आपकी फ़ोटोज़ ली जाएंगी ऐसा नहीं है वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में फिक्स होता है कि इतने इतने ड्यूरेशन पे हम लोगों को एक एक एक, एक स्नैप लेनी है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर डिटेलिंग्स नीचे बताई भी हुई है किस किस बेसिस पे काम किया जाएगा यहाँ पर बताया हुआ है इन्विजलेशन ड्यूटीज ड्यूरिंग द एग्जाम्स तो इन्विजलेशन की बात जो की जा रही है जैसे जो हमारे फिजिकल एग्जाम्स होते थे तो उसमें जो टीचर्स काम करते थे तो उसमें हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम्स में कैसा रहेगा अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं था तो नॉर्मल हमारा ऑनलाइन जो हमारे पेपर्स हैं वो चल रहे थे बट अब जो है थोड़ी स्ट्रिकनेस बढ़ जाएगी आप लोगों के ऊपर क्या क्या बात की जा रही है द प्रॉक्टर्स विल कम्प्योर द फेशियल रिकोगोगनीशन फ़ोटोज़ एंड द फोटो आईडीज़ एंड ऑथोराइज द स्टूडेंट टू द एग्ज़ाम पेजेस उसके अकॉर्डिंग ही जो रोल नंबर जो आई पे हमारी फ़ोटो होगी उसके अकॉर्डिंग पहले रिकोगनाइज़ किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही बाद में हम लोग पेपर दे सकते हैं ठीक है जैसे आप लोग पता होगा अगर आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी हमारा थम इम्प्रेशन से हमारा फेशियल रिकॉग्निशन से हमारा तभी हम लोग एग्जाम में बैठ पाते हैं पहले बायोमेट्रिक होती है राइट ऐसे ही इसमें होगा वहाँ पर भी तो कोई सॉफ्टवेयर से ही काम चलता होगा ना तो इसीलिए यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर लेने की बात की जा रही है ये सारा काम इश्यू करने की बात की जा रही है जिससे एग्जाम से पहले हमारी वेरीफिकेशन होगी द फोटो नेम एंड डेट टू बी वेरीफाइड बाई द प्रॉक्टर प्रायर टू लाइंग द स्टूडेंट्स इन द एग्जाम पेज तो ये सब चीजें पहले चेक की जाएगी फोटो नेम डेट सब चीजें वेरीफाई की जाएगी उसी के बाद ही हम लोग अपना एग्जाम स्टार्ट कर पाएंगे नेक्स्ट मॉनिटर द एग्जाम एंड प्रोवाइड सपोर्ट टिल द एंड ऑफ एग्जाम एग्जाम्स जो है वो कंटीन्यूसली हमें ड्यूरिंग एग्जाम मॉनिटर किया जाएगा स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली टिल द एंड ऑफ एग्जाम जब तक एग्जाम ख़त्म नहीं होता तब तक नेक्स्ट रिमोट प्रॉक्टर शुड आल्सो इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंश्योर दैट कैंडिडेट यूज नो अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जाम एज पर द डिटेल्स एग्रीड एग्रीड अपॉन द वेंडर एंड के यू के तो यहाँ पर क्या है इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी गलत काम ना हो चीटिंग ना हो या हमारा अनफेयर मीन्स ना अडॉप्ट किए जाए स्टूडेंट्स के थ्रू डन नेक्स्ट है इमेज कैप्चरिंग जैसा मैंने बताया कि रेगुलरली इमेजेस ली जाएंगी जिसके थ्रू देखा जाएगा इन केस अगर कोई बच्चा चीटिंग करता पाया गया है उसी के अकॉर्डिंग यूएमसी केस बनेगा तो यहां पर कितने कितने इंटरवल पे फीचर्स की बात की जा रही है इमेज कैप्चरिंग स्ट्रीमिंग ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम एट द इंटरवल ऑफ सिक्स सिक्सटी सेकंड क्या होता है हमारे पास एक एक मिनट के ड्यूरिंग में हर मिनट में आपकी फ़ोटोज़ ली जाएंगी जो आगे फर्दर स्कैन होगी स्कैन ऑनलाइन ही होगी क्योंकि आप लोग ये ना सोचना कि कौन बैठे कर स्कैन करने सब चीज़ें ऑनलाइन है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वास्ट हो गई है सब चीज़ ऑनलाइन ही होगी तो स्कैनिंग होगी इन केस कोई पकड़ा जाता है तो वो यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा यहाँ पे नीचे भी मेंशन है कि एट द एंड ऑफ एग्जाम यूनिवर्सिटी को सारा डाटा दिया जाएगा जो फर्दर आगे चेक करेगी और इन केस कोई बच्चा पाया जाता है चीटिंग करता हुआ तो उसके ऊपर केस हो जाएगा देन नेक्स्ट पॉइंट डिटेल्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द कैंडिडेट कंसोल एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द एग्जाम अभी मैंने बताया कि जैसे अगर आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम्स दिया हुआ बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्स बायोमेट्रिक के बाद जब हम पी सी के आगे बैठते हैं सिस्टम के आगे बैठते हैं तो वहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिखती है कि एग्ज़ाम्स कितनी देर का है हमें कैसे अटैम्प्ट करना है लैंग्वेज अगर चेंज करनी है तो ऐसे करना है या हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कैसे रहेगी या अगर हम कुछ गलत चीज़ करते हैं तो हमारे ऊपर कोई केस हो सकता है ऐसी ही इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये आप लोगों को विजिबल हो जाएगी ठीक है डिस्प्ले ऑफ़ इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट ऑन द लॉग इन एंड बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जाम एग्जामिनेशन यहां पर भी बताया हुआ है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी स्टार्ट एंड क्लोजर ऑफ एग्जामिनेशन एट द शेड्यूल टाइम कि जो शेड्यूल जो फिक्स टाइम है लाइक like अगर आपका 9 से 12 का टाइम है तो 9 से 12 ही रहेगा अगर बच्चा वहाँ पर सिस्टम पे लॉगिन भी कर लेता है किसी भी कारण से या किसी भी वजह से ठीक है कर भी लेते हैं तो वो अपना एग्जाम स्टार्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि सब चीज़ें सेंट्रली कंट्रोल्ड है स्टार्ट एंड क्लोजर ऑफ एग्जामिनेशन एट शेड्यूल टाइम कैंडिडेट मस्ट नॉट बी एबल टू स्टार्ट देयर एग्जामिनेशन इवन दे लॉग इन बिफोर द शेड्यूल टाइम चाहे वो लॉग इन कर लेते हैं बट वो शेड्यूल टाइम से पहले स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पहले से ही फिक्स टाइम है डिस्प्ले ऑफ रिमेनिंग टाइम अवेलेबल ये भी विजिबल रहेगा जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में शो होता है कि कितना टाइम रह गया ठीक है ये हमारी जो वॉच है स्टॉप वॉच जो है वो चलती रहेगी यहाँ पर ठीक है डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स ऑन द स्क्रीन इंक्लूडिंग अ फोटोग्राफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो जैसी फोटोग्राफ आपके पास रोल नंबर में विजिबल होती थी आपको वैसे ही फोटोग्राफ आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल होगी जिस भी आ, आ, जैसे भी आप लॉग करोगे ठीक है लॉग इन अपनी मेल आईडी से ही होगा जो भी आप रजिस्टर करवाओगे वैसा ही होगा जैसे आप लोगों ने जब आप लोगों का गूगल फॉर्म के थ्रू पेपर हो रहे थे तब आप लोगों ने लॉग इन आई की थी मतलब मेल आई दी थी गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों ने डाटा सबमिट करवाया था वैसे ही यहाँ पर भी केस रहेगा पहले आप लोगों की डिटेलिंग्स ली जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको फर्दर चीज़ें इशू की जाएंगी ठीक है व्यूइंग द कम्प्लीट क्वेश्चन पेपर और सेक्शन इन द केस ऑफ सेक्शनल पेपर्स तो यहाँ पर बताई जाएगी कि कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है या जो भी सेक्शन वाइज पेपर डिवाइड होते हैं वो तो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं रिगार्डिंग मॉनिटरिंग द सर्वर ऑफ एजेंसी फर्म शेल द कैपेबिलिटी टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन फॉर द ऑल कैंडिडेट्स तो यहाँ पर तो देखो रिक्वायरमेंट किसके लिए बोलिए कंपनी के लिए बोलिए चीजें कि ये ये इनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए और यहां पर बात की जा रही है कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर जिसको हम ये इश्यू करेंगे टेंडर कि वो एक के बारे में सभी एग्जाम स्टार्ट करवाए मतलब कि इकट्ठे सेंट्रली कंट्रोल रहेगा एक ही बार में सभी के एग्जाम स्टार्ट होंगे और एक ही बारे में सभी के एग्जाम खत्म होंगे ठीक है नेक्स्ट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यहां पर क्या बता रहे हैं द एग्जाम शुड बी एक्सेसिबल फॉर द मोनिटरिंग बाय द यूनिवर्सिटी तो ऐसा होना चाहिए कि जो एक्सेसिबल हो यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑफ कोर्स अगर यूनिवर्सिटी ही टेंडर इशू करे तो यूनिवर्सिटी अपने हाथ में भी कंट्रोल रखेगी कि वो भी चेक कर सकती है ये सब चीज़ें पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क की बात करते हैं स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम पर आ गई हैं जो बेसिक से लेकर इनिशियल स्टेप से लेकर लास्ट पॉइंट तक सारी चीज़ें की सारी चीज़ों की सारे वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं इसीलिए प्री वर्क भी उसके हाथ में है और जो हमारा एग्जाम चल रहा है वो वाली जो प्रोसेस है वो वाला भी उसके हाथ में है और पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क भी वो करेगी पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क में क्या रहेगा आंसर जो स्क्रिप्ट रहेगी या फिर जो बुक्स रहेंगी वो डाउनलोड करना एंड हैंडिंग ओवर द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द आंसर बुक इन ए पी फॉर्म पेपर वाइज एंड क्लास वाइज टू द कंसर्न इवेलुएशन सेंटर्स टू बी क्रिएटेड बाई यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पर क्या है हमारी जो फाइनल जो पी आएंगी वो हमारे जिस जिस भी सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे जहाँ पर भी आपके पास चेकिंग के लिए जाएगा वो काम करना पूरा अरेंज करके सब्जेक्ट वाइज अरेंज करके काम देना कॉपीज़ जो है वो पी जो है अरेंज करके देना ये भी उसी कंपनी के काम में रहेगा और क्या है हमारे पास फॉर रिमोट प्रॉक्टर पेपर्स पेन एग्जाम्स एंड द स्कैन कॉपीज़ मस्ट बी शेयर ऑन द डे ऑफ एग्जाम और द नेक्स्ट डे ये सारी चीज़ें आप लोगों के काम की नहीं है ये सब चीज़ें नॉर्मल है ठीक है यहाँ पर हमारे पास डिटेलिंग दी हुई है और इंडिविजुअल कैंडिडेट वाइज आइटम वाइज रिस्पॉस एंड ऑडिट ट्रायल विल बी कैप्च्य एंड श्योर्ड विद द यूनिवर्सिटी द फॉर्म विल मेंटेन द डाटा इन अ सिक्योर मैनर टिल द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या है कि सारी की सारी चीज़ें पहले से होगी ट्रायल भी होगा और अपने पास सारा डाटा रखना पड़ेगा जब भी यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी उन्हें देना पड़ेगा डन सो यहाँ पर क्या है प्रिपरेशन ऑफ बिड ये तो हमारे पास फर्दर ये बिडिंग की बात आ जाती है कि, कि किस को इशू किया जाएगा बिडिंग कैसी रहेगी अभी ये फिक्स नहीं हुआ कि किस कंपनी को ये चीज़ अलॉट की जाएगी कौन सा सॉफ्टवेयर लिया जाएगा या किस कंपनी को ये टेंडर इशू किया जाएगा ये फर्दर अभी तक हमारे पास टाइम है बट यहाँ पर हमें ब्रीडिंग या सॉफ्टवेयर से कुछ लेना देना नहीं है हमारे लिए जो पॉइंट्स थे वो ये पॉइंट्स थे सिक्स पॉइंट्स से हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की बात की जा रही है ध्यान रखने के बाद की बात की जा रही है इनविटिशन जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मैनर पे होगा तो इसीलिए मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि जो भी आप लोगों की स्टडी है जो भी आप लोग कर रहे हो ग्रेजुएशन कर रहे हो पीजी कर रहे हो डिप्लोमा कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो वो पढ़ना स्टार्ट कर दो तो। ठीक है क्योंकि अभी आपके तीन चार सेमेस्टर जो हैं तीन सेमेस्टर तो हो ही गए हैं ऑनलाइन वर्क में बहुत अच्छी आप लोगों ने परसेंटेज गेन कर लिया सभी बच्चों ने बट अब थोड़ा सा अपनी स्टडी के लिए ध्यान ध्यान देना स्टार्ट कर दो ताकि कोई लॉस ना हो और यूनिवर्सिटी भी ये चाहती है कि अगर हम लोग डिग्री डिप्लोमा या कुछ भी कर रहे हैं कम से कम उसकी यूटिलिटी तो हो कम से कम बच्चों को उसके बारे में कुछ पता तो हो वरना तो ये लोग सारी अपनी डिग्री ऐसी निकाल जाएंगे क्योंकि पैंडमिक का कुछ नहीं पता कब तक चलेगा क्योंकि कोविड केसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है और बहुत सारी चीज़ें अभी तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है कुछ नहीं पता तो इसीलिए यूनिवर्सिटी भी यही चाह रही है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं घर बैठे तो कम से कम इतना तो पढ़ें कि उन्हें नॉलेज हो इसीलिए ही यहाँ पर स्ट्रिकनेस की बात की जा रही है ठीक है आई होप पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं अगर आप लोगों को कोई पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो ये नोटिस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप लोग खुद भी जाकर वेबसाइट से ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हो मैंने शो कर दिया कि कहाँ पर अवेलेबल होगा क्योंकि बच्चों को अभी भी डाउट था कि क्या ये रिलायबल है या नहीं है अभी प्रॉपर नोटिस नहीं आया बट फर्दर ये अगर हमारे टेंडर इशू किया जा रहा है तो मतलब ये जल्दी ही एप्लीकेबल हो जाएगा यूनिवर्सिटी में सो आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो मैं जल्दी न्यू वीडियोज भी लेकर आऊंगी सो so, आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एंड हैव एन आई स्टे एंड गुड लक